Hello students and my viewers. Today I am going to discuss the second part of this chapter, what happened to the reptiles. Already मैंने इसका जो पहले part का video है, क्योंकि ये chapter थोड़ा सा lengthy था, इसलिए मैंने इसका जो first part का video है वो मैं already इसको कल upload कर चुकी हूँ अपने YouTube चैनल पर. तो आज हम इसका second part आपके साथ में discuss करने जा रही हूँ. और जैसा कि अभी तक हमने ये पढ़ा इसमें कि पम्बूपट्टी एक विलेज है और प्रेम के विलेज में कुछ बहुत बुरी घटना घटती है. एक जाति धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है. तो सेम थिंग हैपेंड विद प्रेम आल्सो एंड प्रेम हैज़ टू लीव हिज विलेज हिज ओन हाउस बिकॉज हिज हाउस वॉज बर्न्ड इन दैट फायर. और वो भागते भागते कहाँ पहुँच जाता है, पम्बूपट्टी. तो पम्बूपट्टी के लोगों को देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल, ये देखिए यहाँ तक कल हम डिस्कस कर चुके थे, और वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल अलग थे, उनका व्यवहार बहुत ही अलग था. और जब उसने प्रेम ने ग्रैंडफादर से ये पूछा कि हाउ इज़ इट दैट द पीपल ऑफ दिस प्लेस इज़ रियली वेरी स्ट्रेंज बिकॉज इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अदर गॉड. तो कह रही कि मैं अपने गांव के लोगों से तो बड़ा परेशान हूँ, वो तो बहुत उनमें नफ़रत है, यहाँ के लोगों में इतना प्यार कैसे, आप मुझे जानते नहीं फिर भी आपने मेरी इतनी सेवा की. नाउ सी, तब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है जिन्होंने प्रेम को बचाया और उसकी सेवा की, वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी पम्बूपट्टी की है, तुम ये कहानी लेकर अपने लोगों को सुनाना वापस जाकर. तो प्रेम वहाँ बिल्कुल जाना नहीं चाहता, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, बट ही वॉन्टेड टू लिसन टू स्टोरी, सो ही डिसाइडेड नॉट टू आर्ग्यू विद ओल्ड मैन. सो हियर फ्रॉम दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टुडेज दिस चैप्टर. सी, इट हैपन्ड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ही बिगैन, सो लॉन्ग अगो दैट देर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स. चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. यस, कह रही कि बहुत पुराने टाइम की बात है जब स्कूल्स नहीं थे, इतनी सभ्यता नहीं थी, बच्चे जो हैं वो गुफाओं में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे और जंगलों से जो कुछ मिलता था, मतलब कोई गांव नहीं एक प्रॉपरली बसा होता था, जंगल से बेरीज और जड़ कंदमूल खाकर गुजारा करते थे. एट दैट टाइम देर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन द पम्बूपट्टी फॉरेस्ट. पम्बूपट्टी फॉरेस्ट में तब ना तो टाइगर्स थे, ना पैंथर्स, ना ही एलिफेंट्स. There were only reptiles, सिर्फ reptiles थे, many kinds of reptiles. और reptiles क्या होते हैं वो already I have told you, ठीक है, रेंगने वाले जानवर. Okay, now you know what reptiles are, snakes, crocodiles, turtles, lizards, and you know that a reptile has scales on its body and it lay eggs. So these are some features of reptiles, कि उनकी body पे scales होती हैं जो जब वो रेंगते हैं धरती से तो उनको धरती की रगड़ से बचाती हैं और वो अंडे देते हैं. Every month the reptiles of Pambupatti had a big meeting. Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoises, the clever quick lizards. Okay, हर एक मंथ में एक मीटिंग हुआ करती थी जिसमें ये सब रेप्टाइल्स भाग लिया करते थे. देखो ये मीटिंग हो रही है और इनका ये जो है ये इनके मीटिंग का हेड है, मकरा. And the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. The president of these meetings was Makra. Makra, एक बड़ा सा क्रोकोडाइल, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट. ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सेज और डज. तो जब कोई ताकतवर आपके साथ होता है, आपके पास होता है, तो आपको पता होता है कि आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, वो जो कहता है वही सब कुछ सही होता है. Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. एक हफ्ते पहले की बात है, मंथली मीटिंग होने वाली थी, उससे एक हफ्ते पहले कुछ अजीब हुआ. मकरा सेंट अ लेटर टू द टॉर्टोइसेस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग. आहिस्ते द बिग गोल्ड स्टार टॉर्टोइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वाज वेरी एंग्री. अब आहिस्ते जो उनका ये सी, ये आहिस्ते टॉर्टोइसेस का हेड है, उसको एक ये पत्र मिलता है. सी, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू कम टू द मीटिंग, और लिखा किसने है, मकरा ने, कि वो मीटिंग में ना आए. उन्हें बड़ा बुरा लगा. आहिस्ते द बिग, वो बहुत गुस्सा वाला था, गुस्सा आया उसको.
What does this mean? He shouted. How dare they? कह रहे कैसे हमें नहीं बुला सकते. But not one of the tortoises had the courage to attend the meeting. लेकिन कोई मीटिंग में गया नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा ताकतवर था मकरा. They were so few and others were so many. वो इतने कम हैं, बाकी के लोग इतने ज़्यादा हैं, तो वो क्या करें बेचारे. Before the meeting, the giant makra polished his teeth with red flowers of the tree by the river till they sparkled. Everyone was waiting for him at the meeting place. Sab uska wait kar rahe the meeting place pe aur wo apne daant chamka raha tha. Kaun? Makra. Brothers and sisters, he began. All the reptiles, even the beautiful king cobra, stopped talking. Jaise hi makra ne aake bolna shuru kiya, king cobra ne bhi baat karni band kar di. Makra continued his speech. I have decided that we don't need the tortoises. See, I have told them not to come today. Brothers and sisters, can you tell me why we don't like these tortoises? कह रहे मैंने उन्हें मना कर दिया. मैंने कहा हमें tortoise चाहिए ही नहीं है यहाँ पर. क्या तुम बता सकते हो क्यों नहीं चाहिए? Now see, the reptiles looked this way and that. They felt very uncomfortable. The snakes hissed anxiously. The lizards wriggled their tails, the crocodiles opened their jaws even wider. सब बड़े परेशान हो गए कि कैसे क्रोकोडाइल इसको टॉर्टोइसिस को हम कैसे भगा सकते हैं. But said one lizard, एक lizard ने कहा लेकिन. No buts, shouted makra. There was a silence. कह रहे कोई बट वट मैं नहीं सुनूंगा. I think, said a baby crocodile, एक छोटे crocodile ने कहा. No, I think, screamed makra so loudly that the fruit in the tree above him rained down. इतनी जोर से बोला कि ऊपर एक पका हुआ फल था जो उसके सिर पे गिरा के. आपको पता है ना जब vibrations होती हैं sound आप जोर से निकालते हो तो हवा में कंपन होता है, उस कंपन की वजह से वो पका हुआ फल टूट गया. After that, no one had the courage to speak. कोई बोला ही नहीं. Makra cleared his throat and showed a few more teeth. Well, he said, I will tell you why we don't like the tortoises. कहते मैं बताता हूँ. मकरा बोल रहा है, they are so slow, so stupid. They even carry their houses on their backs. कह रहे अपने घर को भी वो अपने बैग पे लेके चलते हैं. आपने देखा होगा ना कि टॉर्टोइस के ऊपर एक शेल होता है, वो उसका घर माना जाता है. Whoever heard of such a stupid thing? कह रहे कभी किसी ने देखा है अपने घर को अपनी पीठ पे लेके चलते हुए लोगों को, चीज़ों को. Now you lizards, you live in trees. Would you ever carry a tree on your back? Would you? कहते अब lizards तुम बताओ मुझे, तुम ट्रीज़ पे रहती हो, ठीक है, क्या तुम अपने ट्री को अपने बैक पे उठा के घूमती हो? नहीं ना. स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर टुगेदर, नो वी वुडेंट. बट फिर बट. नो बट्स, नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइसेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंपू पट्टी. अरे मैंने कह दिया उनको निकलो यहाँ से. When they go, we will have more of everything, more food, more water, more space. I want them out by tomorrow, but because they are such a slow coaches, I have given them 1 week. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in this jungle. कहते एक हफ्ता उनको मैंने दे दिया यहाँ से जाने के लिए क्योंकि वो बड़ा स्लो चलते हैं. एक्चुअली तो मैं चाहता था कि कल तक एक जंगल खाली कर दें और जब वो यहाँ से चले जाएंगे हमें ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा फूड, ज़्यादा वाटर. And by the following Tuesday, they were all gone. सब चले गए. At first, the animals were sad. कुछ तो animals को दुख हुआ. But then they realized that what makra has said was true. जो makra ने कहा था वो सही था. There was more food, more water, more space for them. But soon, a strange smell began to fill the forest. It was the smell of rot. Rot होता है सड़न, सड़ना. जब चीज़ें सड़ती हैं. Rotting fruit on the ground, rotting animals in the river. This was what the tortoises used to eat. And even makra had to go without holding his nose with his claws, big claws. लेकिन अच्छा तो लगा लोगों को कि जो मकड़ा ने कहा वो सच है, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा स्पेस मिला. लेकिन सोन बहुत जल्दी एक सड़न सी फैल गई, पूरी उसकी बदबू फैल गई. अपना नाक बंद करके मकड़ा को भी वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि ये सड़ी हुई चीज़ें ही तो थीं जो टॉर्टोइसेस खा जाया करते थे. अब उनको खाने वाला कोई नहीं है. अ मंथ पास्ड बाय, देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन. एक महीना बीता और फिर से वही काम हुआ. बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स. मकरा रोड रेम वन ऑफ हिज लेटर्स, दिस वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सेन दे कुड मूव फास्ट, दे हैड टू गो इन अ डे. इस बार स्नेक्स की बारी थी. उसने स्नेक्स को भी वही लेटर दिया और बोला कि लीव द फॉरेस्ट मकरा, और क्योंकि वो फास्ट चल सकते हैं इसलिए एक दिन में निकल जाओ. नागा, द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लेडेड फॉर मोर टाइम. प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड. जो नागा ने रिक्वेस्ट की कि ये थोड़ा टाइम दो, बट मकरा वुड नॉट गिव इट.
एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, बाकियों को भी चुप करा दिया मीटिंग में द लिजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स. स्नेक्स आर स्लिमी, कह रहे हाँ बड़े स्लिम से पतले पतले से धागे की तरह होते हैं रस्सियाँ सी. एंड दे मेक फनी नॉइसेस, और कह रहे वो बड़ी फनी नॉइसेस बना करते हैं. हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड अगेन, नो वन डेयर टू डिसअग्री विद मकरा एंड सो स्नेक्स ऑल्सो लेफ्ट. अब कोई मकरा के खिलाफ बोल तो सकता नहीं था, इसलिए स्नेक्स भी चले गए. For a while the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it took only a little poison to kill you after all. कुछ देर के लिए तो बाकी जानवर खुश हुए क्योंकि वो थोड़ा स्नेक्स से डरा करते थे, उन्हें डर लगता था और वो ये समझते थे कि कभी उनमें से किसी को गुस्सा आ जाए तो अपने थोड़े से वेनम से, वेनम होता है पॉइजन ऑफ द स्नेक, ये डेजर्ट एनिमल्स में भी ये आया था ये वर्ड जो आपकी दूसरी बुक है, तो तब भी मैंने इसका समझाया था कि वेनम जो है ये एक स्पेशल वर्ड है जो यूज़ किया जाता है सांप के जहर के लिए. नाउ सी एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल. नाउ सी वी हैव दिस पार्ट, हियर इज अ माउस एंड हियर इज मकरा. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. Kuch time baad animals jo the na wahan ke wo bilkul tired ho, fed up ho gaye the. The rats, now that were there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. Kyunki ab wo nahi thi wahan pe koi bhi isme karne ke liye, स्नेक्स ही नहीं थे रैट्स को खाने के लिए, तो रैट्स का पूरा कब्जा हो गया फॉरेस्ट पे. एंड देवर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, बड़ा वंडरफुल टाइम उन्होंने भी बिताया. देवर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड. दे एट अप द एग्स ऑफ लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, और लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स के एग्स को खा लिया करते थे. देर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, कह रहे कि अब तो कोई बेबी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सबके अंडे खा लिए. इवन मकड़ास ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, च्यू मीन्स चबा लिया गया, उसके नेस्ट में जो उसके अंडे थे ना उनको भी खा लिया गया. Then Makra had a great idea. He called the meeting of the crocodiles and said, "Wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves?" देखो बेटा, इसमें कुछ कुछ words capital में दिए गए हैं. ये इसलिए दिए गए हैं ताकि बताने के लिए कि किसी एक word को जब हम emphasize करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा सा differently लिख देते हैं. अब मकरा ने एक मीटिंग और बुलाई सिर्फ क्रोकोडाइल्स की और कहा कि ऐसा, काश ऐसा हो कि हम सिर्फ क्रोकोडाइल्स यहाँ रहें पूरे जंगल में तो कितना अच्छा हो. नो वन बट अस, दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट, रेड द नेक्स्ट, एंड लेट अस गेट रिड ऑफ देम. कह रहे ऐसे का हम कैसे, ऐसे चीज़ का, ऐसे जानवर का विश्वास कैसे कर सकते हैं जो अपना रंग भी बदलती है, यानी कि कैमेलियन, गिरगिट, वो भी लिजर्ड का ही जाति का होता है, वो अपनी इसको बदलता है रंग को. तो कह रहे कि रंग जब बदलता है तो ऐसे लिजर्ड्स का हम कैसे बिलीव कर सकते हैं, इनको भी निकालते हैं. बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा, और क्रोकोडाइल जो थे बाकी वो भी मकरा से डरते थे. सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, मकरा वॉज प्लीज, तो उन्होंने क्लैपिंग की और मकरा खुश हो गया. द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम ऑफ विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, तो लिजर्ड्स भी चले गए देखो अपनी बेबीज को अपने बैक पे उठा के जा रहे हैं. Now see, but now when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupatti, all kinds of awful things began to happen. उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ अच्छी बन जाएगी लेकिन अच्छी नहीं बनी, अजीब अजीब सी घटनाएँ घटने लगीं. To begin with, the rats grew bolder by the day. Rats की जो हिम्मत बहुत बढ़ गई. They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodile's back. Somersault होता है गुलाटी मारना, ठीक है, गुलाटी मारना. तो वो क्रोकोडाइल की पीठ पे चढ़ के गुलाटियाँ मारते थे और उनके हाथ नहीं आते थे. एंड देवर टू मैनी फ्रॉग्स, फ्रॉग्स भी बहुत हो गए. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और वो खूब खा खा के मोटे हो रहे थे. एंड देर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, और कौन था, सिर्फ क्रोकोडाइल थे जो उनको खाते, लेकिन कितना खाते. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगैन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, इन्होंने भी क्रोकोडाइल्स के बच्चों को खाना शुरू कर दिया. एंड द इंसेक्ट्स, Now that the lizards were gone, there were millions of them. अब lizards के जाने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े insect भी बहुत हो गए. Growing bigger and nastier by the day. Big भी हो गए और nasty होते हैं, थोड़े अजीब से भी हो गए. It was a terrible time for crocodiles. अब crocodiles के लिए ये बड़ा ही खतरनाक time आ गया. They couldn't understand what had happened to their happy forest home.
Then one day a squeaky little voice piped out of one of their meetings. फिर मीटिंग में एक आवाज़ ने बोला, वी नो वाई फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी, कहते हमें पता तो है कि क्यों हमारे फॉरेस्ट का ऐसा हाल हुआ है, क्या नहीं जानते हम? सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, दे लुकड एट मकड़ा, फिर उन्होंने मकड़ा की तरफ देखा फेयरफुली, बट टू देयर सरप्राइज ही लुक नर्वस, लेकिन मकड़ा डरा हुआ था. ही शूक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, व्हाई लिटिल फेलो, उसने उसके पूंछ पे एक चूहा बैठा था उसने उसको हटाकर बोला क्यों? इट ऑल बिगेन विद द टॉट. अब टॉट यानी टॉटोइज बोला ही नहीं पूरा. ओके ओके सेड मकड़ा, कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, देर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच. मकड़ा डिन वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी गलती मानना नहीं चाहता था, बट इट डिड नॉट मैटर. ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, अब सब जान गए थे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है, ना ही तो ऑलवेज राइट होता है वो. दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर टॉर्टोइस स्नेक्स एंड लिजर्ट्स टू कम बैक टू पम्बुपट्टी. उन्होंने खुद ही मकड़ा का बात नहीं सुनी और मैसेजेस भेज दिए क्रोकोडाइल्स को, टॉर्टोइसिस को, स्नेक्स को, कि वापस आ जाइए पम्बुपट्टी. एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज वेन दीज क्रिएचर्स केम बैक फैमिली आफ्टर फैमिली, कितना अच्छा लग रहा था कह रहे उस दिन जब ये सारे क्रिएचर्स वापस आ गए पूरी अपनी फैमिलीज के साथ, विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, सब खुशी खुशी देखिए ये वापस आ रहे हैं, टॉर्टोइसिस हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, See, all are coming back and they are looking so beautiful. In 2 months, the forest was back to normal. Sirf 2 mahinon mein, bilkul forest normal ho gaya. The rats disappeared, insects and the smell and the world finally went back to its familiar old self. Pehle jaisa ho gaya. Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to dreamland? Kehte kya tum so gaye? Ya tum sapno ke meri story sunkar sapno mein kho gaye? I shook my head. I called Prem. No, grandfather, I was just thinking, maybe it is time I went back to my own village because I have a story to tell them. But what if they don't listen to me? कहते आज एक बहुत अच्छी कहानी आपने मुझे सुनाई है कि हर एक इंसान हो, जानवर हो, उसको अगर भगवान ने पैदा किया है तो उसके पीछे उसका कोई पर्पस है. हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को भी उसके पर्पस से महरूम करें. ठीक है, वेराइटी है, वेराइटी तो सुंदरता है. अगर एक ही जैसी चीज़ें हमें दिखेंगी तो कोई सुंदरता नहीं लगेगी. तो ये जो धरती बनाई है भगवान ने, व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, तो वो किसके लिए है? इसमें वैरायटी, खूबसूरती लाने के लिए है, ना कि इस वैरायटी को आधार मान के हम एक दूसरे से लड़ें. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हो, सब धर्म प्यार और आपसी भाईचारे का हमें संदेश देते हैं. मिलजुल कर रहने से, अलग अलग त्योहारों में वैरायटी मिलती है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई जाती हैं, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को अपना लेते हैं और क्यों हम नफ़रत फैलाते हैं? यही इस चैप्टर का संदेश भी है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और प्यार, इंसानियत और नफ़रत को छोड़ के, नफ़रत को छोड़िए, प्यार और इंसानियत को अपनाइए. ठीक है, नफ़रत, हेट, वायलेंस, इन सब को दूर करिए. इंसान हो, इंसान से प्यार करो और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हमें सीखना चाहिए. अब उसने कहा कि अगर कोई मेरी कहानी ना सुने, प्रेम ने कहा कि अगर कोई मेरी कहानी ना सुने तो क्या होगा? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन. कहते एक बार नहीं सुनेंगे, 2 बार सुनाओ, 3 बार सुनाओ, 4 बार सुनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ. सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, कुछ कहेंगे कि शायद तुम गलत बोल रही हो, तुम्हारी जो स्टोरीज हैं वो सही नहीं हैं. बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन एक दिन उनको इसकी याद ज़रूर आएगी. एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन द स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स, हर एक का यहाँ इस धरती पर कोई ना कोई काम ज़रूर है. उस कुदरत ने जिसने इतने लोग चीज़ों को बनाया है, तो वो एक पूरी चेन है, एक पूरी फूड चेन आपने पढ़ी होगी साइंस में. अगर एक फूड चेन से एक भी चीज़ हट जाए तो सब जगह डिस्टर्बेंस हो जाती है. इसलिए स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, यही संदेश है इस कहानी का कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि प्यार, सौहार्द और मिलजुल कर रहना है. वैरायटी को आधार नहीं बनाना है लड़ाई का, नफ़रत का, बल्कि इस वैरायटी को आधार बनाना है अपने खुशी का. तो इसी आई थिंक आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द स्टोरी एंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी आल्सो. तो इस स्टोरी के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसी चैप्टर के फर्स्ट जो वीडियो है उसका लिंक पेस्ट करूंगी। तो जब ये वीडियो इस चैप्टर की टू पार्ट्स में है, ये पार्ट टू है, तो इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस चैप्टर को कंप्लीटली दोनों ही उसके वीडियोस जो हैं वो सुनने पड़ेंगे। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस आल्सो हियर। इन व्हाट वे इज पम्बुपट्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज? यस, पम्बुपट्टी इज डिफरेंट क्योंकि वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। व्हाई इज प्रेम डिटरमिन्ड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज? बिकॉज ही फेल्ट शेम, अपने लोगों पे उसको शर्म आ रही थी कि वो आपस में धर्म जाति के नाम पे लड़ रहे थे। व्हाई डिड मकरा डिसलाइक टॉर्टोइस, स्नेक एंड लिजर्ड्स? क्योंकि टॉर्टोइस स्लो कोचेस थे, अपना घर कैरी करते थे। स्नेक्स आर स्लिमी एंड पॉइजनस एंड लिजर्ड्स चेंज देयर कलर्स। ओके, एक एक लाइन में तीनों का जवाब देना है। व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन टॉर्टोइस स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट? क्या गलती हुई? यही गलती हुई कि पूरी स्मेल फैल गई, ठीक है, रैट्स को खाने वाला कोई नहीं रहा, तो इस कारण से बहुत परेशानी हुई। व्हाई डू यू थिंक प्रे वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज? जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट वेरियस थिंग्स आर नॉट फॉर दिस योर हेट एंड वायलेंस, बट इट शुड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वननेस। देन डू यू अग्री दैट इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल? नो, एवरी टाइम व्हेन समबडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, वी नीड नॉट टू गो अलॉन्ग विद हिम। Okay, you have to express your views frankly. If you were baby crocodile, would you tell to Makra that it was wrong? Yes, if I had been at the place of this baby crocodile, I would have told Makra about it. Okay, aur kya bolte aap usko convince karne ke liye, to ye aap khud likhenge. So viewers and my students, I have tried my best to explain each and every word and the message of the story very clearly. If you really find it helpful, please, it's my request, like, share and subscribe my channel. And thanks once again for listening to my discussion. Thank you, students.